हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप स्विफ्ट कोड कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, स्विफ्ट कोड का यूज़ बहुत जगह होता है और हम लोग यूट्यूब पेमेंट्स गेटवे या अदर मेथड्स में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है स्विफ्ट कोड। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड फाइंड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा या बहुत से अलग अलग वेबसाइट से। तो आप डालेंगे गूगल पर स्विफ्ट कोड फाइंडर, तो यहाँ पर आपको पहला मिल जाएगा स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स स्लैश बैंक कोड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर किसी भी कंट्रीज़ का फाइंड कर सकते हैं बैंक का स्विफ्ट कोड। तो यहाँ देख सकते हैं बैंक डॉट कोड्स दैट इज़ स्विफ्ट कोड। और यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ द सेलेक्ट अ कंट्री। तो आपकी जो भी कंट्री है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ इंडिया है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट अ बैंक, किस बैंक का है। मान लीजिए सपोज़ SBI बैंक का है तो आप SBI बैंक लिख देंगे। स्टेट बैंक तो आपका मिल जाएगा। जो भी बैंक है आप वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। SBI आप SBI यूज़ कर सकते हैं। एक्सिस आप तो एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आप बैंक यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ एक्सिस बैंक का टिक करेंगे, एक्सिस बैंक आ गया। सेलेक्ट अ, आप जहाँ पे सिटी है आपकी, कोई भी आप सिटी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट अ स्विफ्ट कोड, तो आप ये देख सकते हैं दीज आर द स्विफ्ट कोड। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैंक नेम स्विफ्ट कोड इंडिया लखनऊ और यहाँ पे विद एड्रेस डिटेल। अगर आपको देखते हैं कि आपको यहाँ पे एड्रेस है जो है आपके लोकेलिटी का है, अगर लोकेलिटी नहीं है तो आप इस एड्रेस पर देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर आप इसको चेक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो घर की लोकेशन है वहाँ पर ये स्विफ्ट कोड्स वैलिड है। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो है वो एक्सिस बैंक का है, हमने आपको दिखाया। दीज आर द स्विफ्ट कोड। और जैसे सपोज़ अगर आपको किसी और बैंक का सेलेक्ट करना है, आपने डाल दिया बैंक का नाम या फुल फॉर्म आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल सेंटर में आपको डालना होगा पंजाब नेशनल बैंक सपोज डाल दिया आपने। सेलेक्ट सिटी लखनऊ, उसके बाद सेलेक्ट द स्विफ्ट कोड। यहाँ पर जैसे सकते थ्री आर द स्विफ्ट कोड्स HG HET MCL। यहाँ पे आप HG वाले पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मेन है हजरतगंज ब्रांच जो होती है, मेन ब्रांच होती है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर HET अगर यूज़ करेंगे तो ये आपका दिखा रहा है HL टाउनशिप ब्रांच एड्रेस। उसी तरह से लास्ट वाला जो MCL बचेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका दिखा रहा है अशोक कुमार। तो आप कोई भी स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं इनमें से, जो भी आप इन तीनों का देख रहे हैं नियरेस्ट। तो इस तरह से आप जो है वो स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं तो आप बाहर की कंट्रीज़ में भी अपना फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अदर कंट्री में बैंक है तो आप अगर जमैका डालते हैं, जमैका में आप देख सकते हैं कि अगर आपके किसी बैंक में है आपका अकाउंट तो आपने इसको देख लिया। फिर आप सेलेक्ट सेंट्रिक कंट्री और सेलेक्ट स्विफ्ट कोड, जो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक और उसका स्विफ्ट कोड जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने बताया जैसे स्विफ्ट कोड का हम लोग यूज़ जो करते हैं वो आपका पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए यूट्यूब पर तो US बेस्ड है, तो ये अदर प्लेटफॉर्म है जो अदर कंट्री से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जो होता है वो स्विफ्ट कोड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कंट्रीज़ का और जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है उस अकाउंट से आप स्विफ्ट कोड जो है अपना आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका है जिसके थ्रू आप स्विफ्ट कोड जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आपको सिंपल आपको यहाँ पर कंट्री का नाम, फिर बैंक का नाम, फिर सिटी का नाम और फिर स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर शो कर देगा, जिससे कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर।